हम सरदार कर्ज लड़की के शादी के लिए लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं। साहेब, बेटी की शादी से काफी कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि इन बैंक वालों का पूरा कर्जा चुका सकूं। ये फरियाद है एक रोते हुए ब्राह्मण की, जिसकी पूरी बात सुन जज साहब का दिल पसीज गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से ब्राह्मण का कर्जा चुकाने में मदद की। मामला बिहार के जहानाबाद का है, जहां शनिवार को जिला जज के पास ये बुजुर्ग अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था। कोर्ट में आए बुजुर्ग राजेंद्र तिवारी ने बताया कि लगभग 18 साल पहले बैंक से कर्ज लिया था। तब से बैंक लोन की ब्याज तो दे देते थे, लेकिन पूरा कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। बाद में बैंक को कर्जे की ब्याज भी देना बंद कर दिया। इस पर बैंक ने नोटिस भेजा, लेकिन बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग कर्ज नहीं लौटा रहा था। बैंक की ओर से बार बार उस बुजुर्ग को नोटिस भेजा जा रहा था। हम पर नोटिस हो गया, हम कर्ज 5,000 रुपया लेके मालिक वसूल करने के लिए। तब हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। 5,000 आप दिए और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोग लड़का ही का है गाँव घर को से दिए। बाकी 10,000? 10,000 जज साहब दिए। जज साहब क्या कहेंगे जज साहब को आप? जज साहब का फुला रहा तू कर रहा एक से कई तो बस आओ हम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। आओ कहा क्या नाम हुआ आपका जी? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? आदमपुर। बुजुर्ग को ऐसे फपक फपक रोता देख जज राकेश कुमार ने बैंक अधिकारियों से कहा कि इस बुजुर्ग का कर्ज मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूं। जैसे इस बात का पता लोगों को चला, पूरे न्यायालय परिसर में जज साहब की प्रशंसा होनी शुरू हो गई। इस घटना के बाद न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से जज साहब ने दरिया दिल दिखाया है काफी प्रशंसा की विषय है। ठीक है।